Everyone, welcome to Pharma Hotspot. And in this video, we quickly discuss terpenoids. So let's begin the video. So guys, first of all, we see the definition, and after that, we do the classification of the terpenoids. And in the last, we discuss the biosynthesis of terpenoids. So let's get into it. सबसे पहले हमारे पास है टर्पिनोइड्स की डेफिनेशन इन विच द टर्पिनोइड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स जो कि बने हैं फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आइसोप्रीन यूनिट्स. सो बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स से मिलके ये हाइड्रोकार्बन्स बने हैं. सो हम लेटर ऑन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि आइसोप्रीन का क्या स्ट्रक्चर है. एंड मोनो एंड सेस्क्यूटर्पिन्स आर द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असेंशियल ऑयल्स. सो मोनो और सेस्क्यूटर्पिन से ही असेंशियल ऑयल्स बने हैं. स्टार्टिंग पॉइंट ये दोनों हैं. एंड द टर्पिन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हैं बालसम रेजिन्स के, वैक्सेस एंड रबर्स के. अब देखते हैं कि रेजिन्स पहले क्या होते हैं. सो गाइस, हम बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि रेजिन्स आर द विस्कस ऑर्गेनिक मिक्सचर जो कि रिलीज करते हैं प्लांट फॉर देयर प्रोटेक्शन. सो एक विस्कस ये सब्सटेंस है जो प्लांट रिलीज करते हैं. एंड जो बालसम है वो है एक एरोमेटिक रेजिनियस सब्सटेंस. सो बालसम इज अगेन अ रेजिन है बट उसमें एरोमेटिसिटी है. तो एरोमेटिक रेजिनियस सब्सटेंस है जो कि प्लांट बेसिकली रिलीज करता है, जिसके अंदर बहुत हाई कंसेंट्रेशन होती है किसकी, बेंजोइक एंड सिनेमिक एसिड की. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट द बालसम कंटेनिंग द हाई अमाउंट ऑफ बेंजोइक एंड सिनेमिक एसिड. And this is mainly used for the medicinal purposes. उसके बाद जो next हमारे पास है वो है guys classification. So classification कुछ इस तरह की है कि अगर single isoprene unit है so हम उसको बोलेंगे hemiterpenoids. And if the two isoprene units is connected, is joined, then हम उसे बोलेंगे monoterpenoids. And if there is a three isoprene units, then there is a sesquiterpenoids. And if there is a four isoprene units, then it's a diterpenoids. तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है guys कि एक दो isoprene unit मिलके एक bond बनाते हैं. इस हमारे एक bond है तो हमने बोल दिया mono. Mono mean one. Di मतलब two. So इसको easy याद रखने का तरीका क्या है कि एक bond यहाँ पे बन गया इन दोनों का और एक bond यहाँ पे बन गया. यहाँ पे भी एक linkage है but हम नंबर ऑफ पेयर्स देख रहे हैं आइसोप्रीन यूनिट्स के. सो देयर इज अ नंबर ऑफ पेयर्स टू, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस डाई. देयर द नंबर ऑफ पेयर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स इज ओनली वन. सो एक पेयर है तो हमने मोनो बोल दिया. यहाँ पे दो पेयर है तो हमने डाई बोल दिया. इन दोनों के बीच में आता है सेस्क्यूटर्पिन जिसके अंदर तीन आइसोप्रीन यूनिट है. आप कह सकते हो एक तो फुल पेयर है एंड एक हाफ पेयर है. सो हमने बोल दिया सेस्क्यूटर्पिन. एंड अगर यहाँ पे सिंपल आइसोप्रीन है तो हम बोलेंगे इसको हेमिटर्पिनोइड्स. सो हम देखते हैं डीपली क्लासिफिकेशन और क्लियरली. सो गाइस, इसमें आप देख सकते हो कि जैसा कि हमने बताया था कि हेमिटर्पिनोइड्स में वन सिंगल यूनिट होती है आइसोप्रीन की. डाई मोनो में दो होती है, सेस्क्यू में थ्री, एंड डाइटर्पिनोइड्स में फोर आइसोप्रीन होते हैं. एंड उसके बाद हमारे पास आता है सस टर्पिनोइड्स. इसमें फाइव यूनिट्स होती हैं. एंड ट्राई टर्पिनोइड्स, इसमें मतलब तीन पेयर होंगे. सो थ्री टू जस्ट सिक्स, तो इसमें सिक्स आइसोप्रीन यूनिट होगी. सिंपल आपको मल्टीप्लाई कर देना है. अगर ट्राई आया तो ट्राई मतलब तीन, तीन को टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिक्स यूनिट उसमें प्रेजेंट होगी. बेसिकली नंबर ऑफ पेयर ये लोग गिन रहे हैं. टेट्रा में अगेन एट होगी. एंड इफ द मोर देन एट होगी तो उसको हम बोल देंगे पोली टर्पिनोइड्स. मीन्स बहुत सारे उसमें यूनिट्स हैं. ओके, देयर इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम. जैसे हमने पहले देखा था कि एक आइसोप्रीन यूनिट में पांच कार्बन होते हैं. सो जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएंगी आप उसको फाइव से मल्टीप्लाई करते जाओगे. लाइक इफ द क्वेश्चन कम्स डेट द इन डाइटर्पिनोइड्स, ये बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन एग्जाम्स में कि डाइटर्पिनोइड्स में कितने कार्बन होते हैं. सो भाई हमको पता है कि डाइटर्पिनोइड्स में दो पेयर होते हैं. And two pairs means there's a four isoprene units. So let's just multiply the four with five.
बिकॉज वन आइसोप्रिनेट में फाइव कार्बन होते हैं, सो इसका आंसर हो गया भाई 20। और आपको पता है फोर हम आइसोप्रिनेट्स कैसे लेके आए हैं, डाई मतलब टू एंड हमने दो पेयर थे तो टू इंटू टू हमने उसे कर दिया। सेम विद द ट्राई, ट्राई को हम कर देंगे तीन पेयर मतलब थ्री टू सिक्स एंड सिक्स आइसोप्रिनेट है एंड इंटू में फाइव एंड देयर इज अ 30 कार्बन्स। ओके देयर इज एग्जाम्पल दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एयर डी एम ए पी पी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आइसो पेंटेनाइल पायरोफोस्फेट ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं एंड देयर इज अ बोरोनाइल एसिटेट कैम्फर तो ये सारे आते हैं नॉन टर्पेनोइड्स कैटेगरी में। देन सस्टो टर्पेनोइड्स में आते हैं ये जियोस्मिन हेमोलिन फेमोसोई एंड सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। डाइटर्पेनोइड्स में हमारे पास आते हैं दीज कंपाउंड्स लाइक जिंक गोल्डिस। ओके सो लेट्स मूव फर्दर विद आर बायोसिंथेसिस। ओके सो देयर इज अ डीएमएपीपी, सो देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएमएपीपी व्हिच इज डाइमिथाइल एलाई डाइफोस्फेट। ओके एंड आईपीपी मींस आइसोपेंटाइल डाइफोस्फेट। एक्चुअली द डीएमएपीपी इज द आइसोमर ऑफ आईपीपी, when they link together they form GPP which is the geranyl pyrophosphate. Okay and this is the squalene in which there's a 1 2 3 4 5 6 isoprene units. 6 isoprene units matlab tri, it must be tri because there are 3 pairs and number of carbons are like 30, 6 into my 5, 30 carbons are there. Okay, next from the squalene there is a formation of lanosterol. Lanosterol again, agar aap uske isoprenoids ko count kar loge then aapko pata lag jayega ki kis category ka hai. Jaise humne pata lagaya squalene hamara triterpenoid hai. Okay, so after that ye convert ho jayega zymosterol एंड देन दो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा कोलेस्ट्रोल। सो आपके पास कोलेस्ट्रोल की सिंथेसिस भी आ सकती है कि राइट डाउन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रोल, सो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। थैंक यू गाइज, यही था आज की इस वीडियो में, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्रेस द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू हियर जॉइन अस बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। वी विल मीट इन आर नेक्स्ट वीडियो।